बाहरी देश अमेरिका या दुबई का नहीं, बल्कि हमारे ही देश के राज्य उत्तर प्रदेश का है। यह है आज के आधुनिक समय का म्यूजियम, जहां जाकर आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं और ही आ गए हैं। आज की युवा पीढ़ी को हमारे गौरवशाली इतिहास की जानकारी देने के लिए यहां कई तरह की आधुनिक व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कि प्राचीन समय के युद्ध का अनुभव करवाने के लिए यहां VR तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप स्वयं प्राचीन समय के युद्ध स्थल के बीचों बीच आ गए हैं। यहां कई ऐसे डिजिटल बोर्ड हैं जहां जैसे ही आप हाथ रखते हैं, इतिहास से जुड़ी जानकारी आपको मिलने लगेगी। यहां पर एक बड़ी सी इतिहास की पुस्तक भी रखी गई है, जो कि आम पुस्तकों से बिल्कुल अलग है। दरअसल यह पुस्तक प्रोजेक्टर और सेंसर की सहायता से तैयार की गई है। इसकी सहायता से आप हमारे इतिहास के बारे में एक नए ढंग से जान पाएंगे। जब बात इतिहास की आती है, तो सिक्कों का भी अपना एक अलग इतिहास रहा है। सिक्कों के इसी इतिहास को समझाने के लिए यहां होलोग्राम तकनीक का सहारा लिया गया है। इस तकनीक की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि ये प्राचीन सिक्के आपके ही सामने घूम रहे हैं। जब आप इन सिक्कों को देखते हैं, तो इसके साथ इन सिक्कों का इतिहास भी आपको बताया जाता है। मित्रों, इसी म्यूजियम के मुख्य आकर्षण में से एक है यह वर्चुअल हेलीकॉप्टर, जहां बैठकर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप सही में उड़ान भर चुके हैं। इस वर्चुअल हेलीकॉप्टर में आपको उड़ान का आनंद तो मिलेगा ही, साथ में आपको पूरे शहर की मुख्य जगहों के बारे में और उससे जुड़े इतिहास के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। इसी म्यूजियम के बीचों बीच नॉलेज फाउंटेन नाम से एक सिस्टम लगाया गया है, जहां आप और आपके बच्चे इतिहास के बारे में अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं और कई तरह के क्विज भी दे सकते हैं। आप में से कई जिज्ञासु होंगे जो इस म्यूजियम की लोकेशन और एंट्री फीस जानने के इच्छुक होंगे, तो हम आपको बता दें कि यह म्यूजियम स्थित है उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ द्वारा करवाया गया है। म्यूजियम में एंट्री होने की फीस लगभग 50 रुपए प्रति व्यक्ति आती है, जो कि इतनी व्यवस्थाओं को देखते हुए बहुत कम है। एक बार जब आप इस म्यूजियम के अंदर आ जाते हैं, तो आपसे किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती। आप तमाम तरह की प्रदर्शनियों का आनंद ले सकते हैं। मित्रों, आज के समय में जब हमारी पीढ़ी काफी तेजी से आधुनिक हो रही, ऐसे में इस तरह के म्यूजियम समय की मांग है, क्योंकि यही एक तरीका है जो आज की पीढ़ी को हमारे इतिहास के बारे में जानने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे वो जान सकेंगे कि आज हम जहां हैं, वहां तक हम कितने संघर्ष के बाद पहुंच पाए हैं, और यहां तक पहुंचने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। आपने जो म्यूजियम अभी देखा, यह पूरी तरह झांसी की रानी को समर्पित है। हमारा मानना है कि भारत के प्रत्येक जिले में इस तरह का एक आधुनिक म्यूजियम हो, जो बच्चों को भारत देश के शहीदों, वैज्ञानिकों और उन महान हस्तियों के बारे में बताए, जिनका जीवन आज की पीढ़ी के लिए एक आदर्श बन सके। मित्रों, आपको यह म्यूजियम कैसा लगा?